हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स की पीटी 365 फॉर द ईयर 2021 का अपडेटेड मटेरियल कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 28 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा अर्थ आर 2021 के बारे में। सब कुछ जानेंगे न्यूज़ में क्यों रहा, क्या है क्या नहीं, बट उससे पहले अनअकैडमी के थोड़े कोर्सेज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अनअकैडमी ने अपने नए बैचेस 21, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च करा है। रिसेंटली जो है वो इनका सबसे लेटेस्ट बैच 29 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे 1 ईयर और 2 ईयर बैचेस मिलेंगे। 1 ईयर 2022 के लिए है जिसमें आपकी प्रॉपर शेड्यूलिंग आपको दिख रही होगी, और 2 ईयर जो बैचेस हैं वो 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए हैं जिसमें आपको बिगनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन और प्रॉपर शेड्यूल में करवाई जाएगी। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स किस लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे एडवांस में डिसिप्लिन मैनर में यहाँ प्रिपेयर किया गया है। आपके करंट अफेयर के साथ साथ 360 डिग्री आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी है। यहाँ पे आपको 19 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक्सेस करने का मौका मिलता है। साथ में स्कॉलरशिप पाने के लिए यूपीएससी कॉम्पैक्ट हर एक संडे आप कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस, एकदम फ्री रहेगा। रेज हैंड के ऑप्शन से आप लाइव क्लास में अपने फेवरेट एडुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। और मेरा फेवरेट ये लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आप पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग और टेस्ट इवैल्यूएशन, न जाने क्या क्या सब कुछ जो स्क्रीन पे है वो सब आप पा सकते हैं। अब आपको अगर प्रॉब्लम है कोई भी फाइनेंशियल, नो इश्यूज, अनअकैडमी यूपीएससी के लिए लोन भी दे रहा है जो कि एकदम हैसल फ्री 0% इंटरेस्ट रेट पे है। इसमें सिर्फ आईएएस का कोड यूज़ करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 20 बुक्स जो क्रिएट करी गई हैं बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको 10,000 की कीमत की किताबें 1 साल या प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलने वाली हैं। यहाँ पे देखिए आपको प्राइजेस दिख रहे होंगे दोनों के, बट इसमें एक आपके लिए सरप्राइज ये है कि आजकल अनअकैडमी का 28 से लेकर 30 सितंबर तक के लिए स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है। इस प्राइज वीक में आपको 10% ऑफ वो लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं। 10% आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज़ करके लीजिए, आराम से चाहे चाहिए लोन लीजिए चाहे नॉर्मल लीजिए, और आराम से इन्जॉय करिए, साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन को अपनी बूस्टअप करिए। तो फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली और कमेंट। तो सबसे पहला जो हम बात करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के अंदर बात करेंगे हम ये अर्थ आर 2021 के बारे में। देखिए अर्थ आर 2021 क्यों रहा न्यूज़ में पहले समझिए। देखिए इसको जो है वो सेलिब्रेट करा गया मार्च 27, 2021 को अंडर द थीम क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। क्या थीम था? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो आइए कुछ अर्थ आर के बारे में जानते हैं। अर्थ आर को ऑर्गेनाइज करा गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के बारे में। ये 1 घंटे के लिए 1 घंटे का जो है वो लाइट आउट इवेंट है, मतलब 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक के तक का, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड होगा टुवर्ड द एंड ऑफ मार्च। अब खैर मार्च की बात है, वो तो ओवर हो ही गया, 2021 का था। अब इससे क्या है कि इंडिविजुअल्स हो गए, हाउस होल्ड हो गए, कम्युनिटी हो गई, बिजनेस हो गई, इन सबको इनक्रेज करा जा रहा है कि आप सब अपने अपने आके लाइट को जो है वो टर्न ऑफ कर दो, बंद कर दो, जो नॉन असेंशियल लाइट है, एक घंटे के लिए जो आपकी नॉन असेंशियल लाइट है उसे आप बंद कर दो। इससे क्या होगा, ये ऐसा सिंबल होगा अपनी जो कमिटमेंट है प्लैनेट को लेके, उसको लेके, ठीक है। तो ये अच्छी बात है भैया, लाइट बंद कर दो, क्या बुरा है। अब ये एक लाइट आउट इवेंट के तौर पे सिडनी में शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया 2007 में, एंड तब से जो है ये काफ़ी सारी कंट्रीज का सपोर्ट पा चुका है। करीब 185 कंट्रीज अब इसके अंदर आ गई हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग हैं उनको यूनाइट करना, लोगों को यूनाइट करना, ताकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेके एक्शन लिया जा सके और हमारे देश कह रही हूँ भैया, सभी देशों को, सारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ये जो इवेंट होता है इससे क्या है कि भाई ये हाईलाइट करता है लिंक को बिटवीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड इंक्रीजिंग आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस लाइक कोविड-19। आपको पता है कि जिस तरह से हम इतना ज़्यादा अर्थ का अपने जो है मिसयूज़ करने लग गए हैं ना, इसी वजह से इतने तरह के डिजीजेस फैलने लग गए हैं, क्योंकि ये सब अपने जगह पे रहते थे,
है ना, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जब हमने इनको छेड़ना छाड़ना शुरू कर दिया तो भाई फिर ये हमारी तरफ आने लग गए, तो ये गड़बड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये दिखाता है डेटा के हिसाब से दिल्ली ने यहाँ पे 334 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ आर के टाइम पे सेव करा है। देखिए अब आप जो WWF मैंने आपको बताया ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे 1961 में इस्टेब्लिश करा गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। ये वर्ल्ड की लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम भाई इसके थ्रू नेचर को कंजर्व करेंगे। ज़्यादातर जो प्रेशर पड़ता है, जो खतरा है डाइवर्सिटी को ऑफ लाइफ को अर्थ के ऊपर, इसे भी कम करने का ही है। आप कुछ दूसरे इनिशिएटिव अगर इसमें देखें तो टैरिफ हो गया, सॉरी टैरिफ कह रही हूँ, ट्रैफिक हो गया, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये एक एनजीओ है जो काम करता है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट जो पब्लिश करती है, ये देखिए ये जो ट्रैफिक है ना, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ही इनिशिएटिव है। रिपोर्ट जो पब्लिश करी जाती है इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, वो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, याद रखिएगा। कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ कुछ जान लेते हैं, जो कि वर्ल्ड अर्थ डे 2021-22 अप्रैल, इसकी बात करते हैं। देखिए अर्थ डे जो है एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसे सेलिब्रेट करा जाता है पूरे वर्ल्ड में टू प्लेस सपोर्ट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इस साल 2021 ने 51वीं एनिवर्सरी थी। थीम जो अर्थ डे 2021 का था वो था री स्टोर आर अर्थ, थीम बड़े अच्छे अच्छे लोग रखते हैं। अर्थ डे फाउंड करा गया सेनेटर गैलर्ड नेल्सन के द्वारा, और पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल 1970 में, ताकि इकोलॉजी को प्रमोट करें और अवेयरनेस को बढ़ाएं, जो भी एयर के अंदर, वाटर के अंदर, सॉयल पोल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम बढ़ रही थी, और क्या ज़रूरत है आखिरकार प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने की, ये सब इसके चलते मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन ने इसको डेजिग्नेट करा है एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे एक रेजोल्यूशन के माध्यम से, जिसे 2009 में अडॉप्ट किया गया था। तो हमने अर्थ आर 2021 और उससे रिलेटेड न्यूज़ को समझा। नेक्स्ट आता है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, क्या है ये, न्यूज़ में क्यों था, पहले तो ये जानते हैं। देखिए वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को होता है, वर्ल्ड वाटर डे, इसके ओकेजन पे एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट को साइन करा गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के बीच में, ताकि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आइए खबरों के बारे में जानते हैं और बात क्या है। देखिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, यह ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा अंडर द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब अंडर दिस प्रोजेक्ट क्या होगा, वाटर जो केन रिवर से होगा, पानी जो केन रिवर का होगा, उसे ट्रांसफ़र करा जाएगा बेतवा रिवर में, और ये दोनों ही जो ट्रिब्यूटरीज हैं, आप जानते होंगे कि रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये दो फ्रेजेस में इम्प्लीमेंट होगा। इसमें जो फ्रेज़ वन होगा, इसमें लोअर या और डैम बिना जो फ्रेज़ वन होगा उसमें धावधन डैम, स्पेलिंग देख लीजिए, धावधन डैम कॉम्प्लेक्स एंड इट्स एप्रिटेंसेस, जैसे कि लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल, केन बेतवा लिंक कैनाल और पावर हाउसेस जो है, ये सारे कुछ क्रिएट करे जाएंगे। और जो फ्रेज टू होगा उसमें लोअर और डैम बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और कोथा बैरेज ये बनवाया जाएगा। सेंटर यहाँ पे एक स्पेशल पावर स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी क्रिएट करेगा। देखिए स्केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी रहेगी जो इम्प्लीमेंट करेगी इस प्रोजेक्ट को 8 सालों में, और इसमें करीब 90% की कॉस्ट जो है वो सेंटर ही बेयर भी करेगा। तो इतना हम समझें। अब देखिए थोड़ा सा हम नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। इसको सेटअप किया गया था 1982 में एक ऑटोनोमस सोसाइटी के तौर पर।
अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, और स्टार्टिंग में तो इसका पर्पस था कि ये वाटर बैलेंस करना, दूसरी स्टडीज़ करना साइंटिफिक और रियलिस्टिक बेसिस पे कि भाई कैसे वाटर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे। काम है कि भाई ये तीन कंपोनेंट्स मैनेज करती है, तीन कंपोनेंट्स एनआरएलपी के, एनआरएलपी मतलब नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के, कि भाई कंप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दूसरा है ये भाई क्या काम करती है, ये एक रिपोजिटरी का काम भी करती है ना, और बोरोड फंड या लोन फ्रॉम बैंक्स या अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। जो पैसा वैसा आया इसके पास रहा, बाद में यहाँ से प्रोजेक्ट में लग गया। अब हमने जो एक नाम लिया था ना इसका एनआरएलपी नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपको कुछ बात बताती हूँ। जो आइडिया है इंटरलिंक करने का रिवर्स को, ये पहली बार सर आर्थर कॉटन ने 1850s में जो है वो प्रपोज किया था। उसके बाद ये 1972 में रिवाइव हुआ के एल राव के द्वारा, उस समय के जो मिनिस्टर थे पावर एंड इरिगेशन के इंडिया के अंदर। सब्सिक्वेंटली करीब 30 रिवर लिंक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करी गई हैं अंडर द एनआरएलएम, इसे हम लोग नेशनल परस्पेक्टिव प्लान कहते हैं, है ना। और इसके अंदर ट्रांसफ़र है वाटर का, पानी का ट्रांसफ़र है, जहाँ पे जिस बेसिन में पानी ज़्यादा है वहाँ से ट्रांसफ़र करा जाता है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे जो है बेसिन में पानी कम है, ठीक है, मतलब जहाँ पे फ्लड आता हो वहाँ से ट्रांसफ़र कर लो ऐसी जगह पे जहाँ ड्रॉट है, स्कार्सिटी है, ठीक है, वाटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट के थ्रू। इसको मैनेज करा जाता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। प्रोजेक्ट को इंटर बेसिन ट्रांसफ़र ऑफ वाटर भी कहते हैं, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट है नॉर्दर्न हिमालयाज रिवर इंटरलिंकिंग कंपोनेंट, दूसरा है सदर्न पेनिनसुलर कंपोनेंट, तीसरा है इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग कंपोनेंट। तो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्री के पास जो है वो कुछ ऐसी 30 रिवर लिंक्स होंगी, 3000 स्टोरेज स्ट्रक्चर होंगे, कैनाल नेटवर्क होंगे जो करीब 15,000 किलोमीटर तक फैले होंगे, और इससे 34 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर निकलेगी, और कुछ 87 मिलियन एकर्स इरिगेटेड लैंड होगी, और ट्रांसफ़र होगा करीब 174 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर का पर ईयर। तो आप ये समझ रहे हैं कितना अच्छा प्रोजेक्ट है ये। इसको यहीं तक रखते हैं, देखिए आराम आराम से करते हैं, बुलेट बुलेट लेके चलेंगे ताकि आपका फटाफट से हो जाए, और एट दी एंड में क्या करूँगी कि सब कुछ कंबाइन कर दूँगी पीटी में एक, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।